Good morning, student. Today we are going to discuss the next topic, that is constellation diagram for the different modulation technique. In previous lecture, we are discussing about the different modulation technique like ASK, PSK, FSK, BBSK, and QPXA. And now here we are going to discuss first of all what is a constellation diagram, and simply it is a space state analysis. उसमें डिस्कस करेंगे और किस तरीके से डिस्कस करेंगे कि उसको मैग्नीट्यूड ऑफ फेज को प्लॉट करते हैं एंड देन बाय यूजिंग द डिफरेंट मॉड्यूलेशन इक्वेशन ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम वहाँ पे फॉर ऑल मॉड्यूलेशन हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे किस तरीके से कंस्टेलेशन डायग्राम आपके सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक में होते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द कंस्टेलेशन डायग्राम. Constellation diagram. It is also named as signal space analysis. Signal space analysis. Now, first of all, I'm going to explain what is the definition. Definition kya hoga and how it can be represented. It is a representation of digital modulated signal which help to design amplitude and phase of a signal element in phi plane. This is simple definition. अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो अभी मैंने ASK, PSK, FSK का नाम लिया, एंड विच हेल्प्स टू डिजाइन द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द सिग्नल एलिमेंट इन फाइव प्लेन. मींस हमारे जो इक्वेशन आते हैं, जो मॉड्यूलेशन इक्वेशन आते हैं, उस मॉड्यूलेशन इक्वेशन में मैग्नीट्यूड भी होता है और फेज होता है. ठीक है, तो उस मैग्नीट्यूड और फेज को हम जब ड्रॉ करते हैं किसी फाइव प्लेन में, देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड कंस्टेलेशन डायग्राम. तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आपका एक फिगर होता है. दिस इज फाइव वन टी, दिस इज फाइव टू टी, this is in phase amplitude and here is the quadrature phase amplitude. As we know, in digital modulation, here we are using the two number, that is 0 and 1. तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो ये फंक्शन को माना हुआ है, that is 51t and 52t. This is called the basis function, just like cos हो गया, sin हो गया, ये हमारे सारे basis function होते हैं.
ठीक है, तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, हमने आप एक्स एक्सिस को मान लिया है, इन इन फेज एम्पलीट्यूड मान लिया है, और उसके परपेंडिकुलर हमारा जो हो गया क्वाड्रेचर फेज एम्पलीट्यूड हो गया, जिसको हमने 52 से रिप्रेजेंट कर दिया गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट अगर आपका ये एस लाई कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस आपका होगा, दिस डिस्टेंस इज, इसको हम बोल सकते हैं या तो लेंथ बोल सकते हैं, या तो आपको हम इसको एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको दिस फाई इज कॉल्ड, या तो एंगल बोल सकते हैं और फेज। तो हमें इस तरीके से दिखाना होता है कि बाइनरी मींस मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल हमारे हैं, जो बाइनरी वन और जो बाइनरी जीरो हैं, वो आपका उनका फेज कैसा है, वो इन फेज में है कि क्वाड्रेचर फेज में है, वो क्या कहते हैं सिग्नल स्पेस में कैसे लाई कर रहे हैं, और फिर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड द लेंथ और एम्पलीट्यूड। फिर वो कितने एंगल पे है आपका फाई प्लेन में, दैट इज कॉल्ड एंगल और फेज। तो ये हमें जितने भी आपके मॉडुलेशन टेक्निक है, हमें उसको यहाँ पे दिखाना होता है कि किस तरीके से हम इसका कॉन्स्टेलेशन डायग्राम बनाते हैं, और वहां पे ये बताते हैं कि जो भी हमारा बाइनरी वन और बाइनरी जीरो है, उसको किस तरीके से हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से दिखाते हैं, ओके, इन द फाइव प्लेन। तो ये सिंपल अभी आपका डिस्क्रिप्शन रहा कि कॉन्स्टेलेशन डायग्राम होता है, ये इसका आपका डेफिनेशन रहा जो हमने राइट किया हुआ है, और ये आपका फिगर रहा। नाउ नेक्स्ट कंसीडर कॉन्स्टेलेशन डायग्राम ऑफ ए एस के। तो ऑफ ए एस के, ओके, वी नो दैट फॉर सिंबल वन एस वन टी इज इक्वल टू रूट टू पी एस कॉस टू पाई एफ सी टी। ये हम पहले से जानते हैं, आपका फॉर सिंबल वन ये मॉड्यूलेशन का इक्वेशन होता है, एस वन इज इक्वल टू रूट टू पी एस कॉस टू पाई एफ सी टी। और यहाँ थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, हम यहाँ पे अंडर रूट टू पी एस अंडर रूट टी वी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी वी करेंगे कॉस टू पाई एफ सी टी इज इक्वल टू अंडर रूट पी एस इन टू टी वी को एक साथ लेंगे, और अंडर रूट टू अपॉन टी वी कॉस टू पाई एफ सी टी, ठीक है, वेयर दिस क्वांटिटी अंडर रूट पी एस इन टू टी वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई वी, एनर्जी ऑफ द बिट होता ही है, ठीक है, एंड फाई वन टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन टी वी कॉस टू पाई एफ सी टी। ये हो गया। तो हमने जो हमारा इक्वेशन था, हमने उस इक्वेशन को यहाँ पे लिया हुआ है, आपका मॉड्यूलेशन का इक्वेशन था, हमने यहाँ पे रूट टू वी से ऊपर नीचे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने इसको एक साथ इकट्ठा किया, मीन्स कंबाइंड किया, हमने रूट पी एस टी भी कंबाइंड किया, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज द एनर्जी ऑफ द बिट, बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ई बी, ये आप ई बी के फॉर्म में चेंज हो गया, और इसको हमने एक फंक्शन मान लिया, दैट फंक्शन इज द फाइव एन टी, वही फाइव एन टी जो अभी मैं आपको इंडिकेट कर रहे थे वो कंस्टेलेशन डायग्राम में। तो ये पूरा जो फंक्शन आपका हो गया अंडर रूट टू अपॉन टी बी कॉस टू बाई एफ सी टी, हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये फाइव एन टी हो गया, ओके। नाउ फॉर सिंबल जीरो
एस नॉट टी इज इक्वल टू जीरो, वी नो दैट, हम जानते हैं सिंबल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. और दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, तो आप अगर ऑब्जर्व करें कि बाइंड्री वन के लिए हमारा जो फाइव वन टी है और जीरो के लिए तो आपका जीरो ही है, तो मीन्स यहाँ पे हमारा कोई क्वाड्रेचर हमारा फेज या एम्पलीट्यूड नहीं होगा. मीन्स हमने हमारा इस एस के देयर इज नो अदर फंक्शन, बेसिस फंक्शन लाइक फाइव टू. तो सिंपली इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करेंगे जो अभी मैंने ड्रॉ किया था. दिस इज फाइव वन टी एंड दिस इज फाइव टू टी और दिस इज मैग्नीट्यूड जीरो फॉर एस नॉट एंड दिस मैग्नीट्यूड इन फेज कंपोनेंट फॉर एस वन एंड दिस डिस्टेंस अंडर रूट ईवी. ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया क्योंकि जो ये टर्म हमारा जो था अंडर रूट पी एस टी वी या अंडर रूट ईवी हमारा वो इस फंक्शन से रिलेट कर रहा था फाइव वन टी से. तो हमारा जो ये हमने एस को ड्रॉ किया हुआ है ये इसकी वैल्यू जीरो है, हमने जीरो ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, और ये हमने एस वन ड्रॉ किया है, ये कुछ डिस्टेंस आपका है. ठीक है, इन फेस कंपोनेंट है वो इसके डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू आपकी हो गई रूट ईवी. ठीक है, और ये आपका एक टर्म और डिफाइन करते हैं डी, ये हमारा डी होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. ये वो डिस्टेंस होता है जो आपका बाइंड्री वन और बाइंड्री सिग्नल बाइंड्री जीरो को जो सिग्नल को हम जब प्लॉट करते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है. तो आप देखें डी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो होता है इस केस में आपका जो होगा वो रूट ईबी के इक्वल होगा. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ए एस के इज इक्वल टू अंडर रूट ई बी. मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इन द डिजिटल मॉड्यूलेशन ए एस के इज इक्वल टू अंडर ई बी, ये आपका हो गया. तो ये हमने फाइंड किया कॉन्स्टेलेशन डायग्राम फॉर द ए एस के. तो पहले हमने वन के लिए राइट किया, फिर जीरो के लिए राइट किया, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया. नाउ नेक्स्ट for the PSK. Okay, now we know that for symbol 1 S1 T is equal to under root 2 PS cos 2 पाई एफ सी टी. ये हो गया हमारा अरेंज इन सेम वे लाइक अंडर रूट 2 पी एस इंटू टी बी अपॉन अंडर रूट टी बी कॉस 2 पाई एफ सी टी, या वी गेट अंडर रूट पी एस टी बी इंटू अंडर रूट टू अपॉन टी बी कॉस टू पाई एफ सी टी. ये हो गया. ठीक है, वेयर अंडर रूट पी एस टी बी
is equal to under root EV and assume phi 1 t is equal to 2 upon this is equation number 1 and this is equation number 2 sorry ये हमने assume कर लिया हमने ये symbol 1 के लिए हमने देख लिया ठीक है ये आपने symbol 1 के लिए आपने देख लिया and after that अब हम again similarly for symbol 0 s naught t is equal to minus root 2 ps cos 2 pi fct this is equation number 2 arrange as like under root ps tv into upon tv cos 2 pi fct हमने जो स्टेप्स फॉलो किया है जो स्टेप हमने वही फॉलो किया जो यहां पे अंडर रूट टीवी से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है वो स्टेप हमने यहां पे फॉलो किया हुआ है और हियर वी गेट माइनस अंडर रूट ईबी इनटू कॉस 2 पाई एफसीटी ठीक है तो आप यहां देख सकते हैं अगेन वेयर ये हमें मिल गया वैल्यू ठीक है तो आप देखिए आप ऑब्जर्व करें यहां पे अगर आप सेम देख सकते हैं तो यहां पे जो फंक्शन हमारा सेम ये phi 1 t है अगर आप एज्यूम करना चाहें यहां से लिए अगर आप यहां तक एज्यूम करना चाहें तो ये फंक्शन आपका क्या है ये फंक्शन आपका phi 1 t है मींस इसमें हमारा कोई और फंक्शन नहीं होगा जो कोई हमारा क्वाड्रेचर कंपोनेंट नहीं होगा मींस हियर इन फेज कंपोनेंट होगा सिर्फ इसका चेंज क्या हो रहा है सिर्फ इसका यहां पे आपका जो ईवी था मींस दिस पार्ट ये ईवी था यहां पे आपका ये माइनस ईवी के इक्विवेलेंट हो गया ठीक है तो हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे इसको प्लॉट करने के लिए हम करेंगे क्या This is equation number 2 and this is equation number 1 okay now d is the Euclidean distance which represent the distance between the signal point तुम कैसे ड्रॉ करेंगे तो एक ड्रॉ करने के लिए टी हो गया आपका ठीक है और आपको दिख रहा है जो ये आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू थी इस वाले केस में ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा ये S1 के लिए हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपका जो जाएगा वो अंडर रूट EV के बराबर हो जाएगा ठीक है हमने इसके रिस्पेक्ट में ड्रा किया सेकंड अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये भी आपका क्या कहते हैं phi 1 t पे ड्रा होगा बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है वो इस साइड होगा तो वो सिग्नल हमारा यहां ड्रा होगा जिसको हम बोलेंगे S0 t बोलेंगे और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी अंडर रूट ईवी
ठीक है। अब हमें फाइंड करना यहाँ पे है, हमें क्या फाइंड करना, अभी हमें डिफाइन किया है डी इज यूक्लिडियन डिस्टेंस विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नल पॉइंट। तो हमने यहाँ पे सिग्नल पॉइंट, दो सिग्नल पॉइंट डिफाइन किया हुआ है, एक हमने एस वन डिफाइन किया, एक हमने एस टू डिफाइन किया हुआ है, और इस ओरिजिन से डिस्टेंस इसका आपका अंडर रूट ई भी है और इसका आपका माइनस अंडर रूट ई भी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस के लिए ऑब्वियस ही बात हमें क्या करना पड़ेगा, देन डी ऑफ पी एस के इज इक्वल टू अंडर रूट ई बी माइनस माइनस अंडर रूट ई बी इज इक्वल टू टू अंडर रूट ई बी। दिस इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर द पी एस के। ओके, तो आई थिंक सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरीके से फाइंड किया जा रहा है। तो ये आपका रहा सेकेंड पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फॉर द एफएसके। आई थिंक सो आप लोगों ने राइट कर लिया होगा, आप लिख सकते हैं इसको है। FSK Now we know that for symbol 1 T is equal to under root 2 PS into cos 2 pi FHT। Here frequency change, आपने पढ़ा होगा कि FSK में क्या होता है, हमारा binary 1 के लिए frequency अलग होता है, binary 0 के लिए frequency हमारा अलग होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे assume कर लिया कि binary 1 के लिए frequency हमारा FH हो गया और binary क्या कहते हैं उसके लिए हमारा जो frequency होगा वो FL होगा। Again same process वही करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, रूट टू पी एस इंटू अंडर रूट टी बी अपॉन टी बी इंटू कॉस टू पाई एफ एच टी हो गया आपका। अगेन सेम अंडर रूट पी एस इंटू टी बी टू अपॉन टी बी कॉस टू पाई एफ एच टी where this is equation number 1, TB is equal to under root EB and under root 2 upon TB cos 2 pi FHT is equal to 5 NT। हमने ये ज़ूम कर लिया, ठीक है। सिमिलरली फॉर सिंबल जीरो एस नॉट टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू पी एस कॉस टू पाई एफ एल टी। अगेन सेम प्रोसेस, अंडर रूट पी एस टी बी अंडर रूट टू अपॉन टी बी कॉस टू पाई एफ एफ एल सॉरी एफ एल टी, ये हो गया।
This is equation number 2. Now assume where under root PS TB is equal to under root EB. इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ बिट. अब यहां पे जैसे हमने इस फंक्शन को हमने अंडर टू अपॉन टीबी कॉस टू पाई एफ एस टी को हमने 510 माना था, तो यहां आपका फ्रीक्वेंसी चेंज है तो हम यहां पे अलग मानेंगे, ठीक है, और इसको मानेंगे अंडर रूट टू अपॉन टीबी कॉस टू पाई एफ एल टी इज इक्वल टू 510. हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया. और क्यों एज्यूम किया वो बता दिया, क्योंकि ड्यू टू चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हमारे इस तरीके से होते हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे कैसे, अब सिग्नल्स जो हमारे जो मिले हुए हैं वन के लिए और जीरो के लिए जो सिग्नल मिले हुए हैं, किस तरीके से हम आप इसको प्लॉट करेंगे और किस तरीके से हम उन दोनों सिग्नल के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हमें वो देखना है. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द कैस्टिलेशन डायग्राम फॉर द एफ एस के. तो वो डायग्राम कैसा होगा वो हम ऑब्जर्व कर लें. Here is the phi 1 t, here is the phi 2 t, and मान लीजिए ये हमारा s1 हो गया, 1 के लिए हमने प्लॉट कर दिया. दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट ev, एंड ये हमारा phi 2, ये हमारा जो phi 1 t हमारा जो हमने स्क्वायर ज़ूम किया था, ये हमारा phi 1 t हो गया. और फिर हमने इसको यहाँ पे मान लिया दिस इज फॉर द सिग्नल जीरो, एंड ए बी डिस्टेंस आपका सेम है, अंडर रूट ई बी आपका है, ठीक है. तो जो डिस्टेंस होगा वो हमारा ये होगा, ये डिस्टेंस हमारा होगा, हमें इसको फाइंड करना है. और क्योंकि ये डिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो डी होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिग्नल, ठीक है, जो हमने सिग्नल को जो प्लॉट किया हुआ है उसको, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा ये हुआ, दैट इज डी. तो सिंपली हियर वी टेक सिंपली डिस्कस द, वी नो अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखें तो डी स्क्वायर एफ एस के इज इक्वल टू अंडर रूट ev square plus under root ev square, इस तरीके से हो गया. That is 2 ev, ev हो गया, 2 ev हो गया, then dfsk is equal to under root 2 ev. This is the Euclidean distance for the modulation technique FSK. Now there is some comparison. How can we compare? So one thing more, हमने जो ये चीजें draw किया हुआ है, हमने इधर 510 और 512 हमने जो orthogonally माना हुआ है, इसके पीछे region क्या है वो भी हम लिख लें जरा. How it can be draw? Here, phi 1 t and phi t are orthogonal carrier such that FH is equal to M of FB and FL is equal to N of FB. Actually, हमारे ये multiple होते हैं, and where
are integer. ओके एक्चुअली आपका ये बिट्स का फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपका जो एफ एच एफ एल होता है ये आपके बिट्स की फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होता है, वो एम टाइम होता है. मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं कि ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपस में मल्टीपल फॉर्म होते हैं. तो मल्टीपल फॉर्म होने से क्या होता है, हमारा जो फाइव वन टी ऑफ आई टी टू हमारा क्या होना चाहिए, वो ऑर्थोगोनल आपके होते हैं. आफ्टर दैट तो अभी आपने क्या फाइंड किया ए एस के लिए, मीन्स डी ए एस के इज इक्वल टू अंडर रूट ई वी एंड डी पी एस के इज इक्वल टू टू अंडर रूट ई वी एंड डी एफ एस के इज इक्वल टू अंडर रूट टू ई वी. ये आपने ड्रॉ कर लिया और फाइंड कर लिया. तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से आपने कंस्टेलेशन डायग्राम की हेल्प से जितने भी डिफरेंट मॉडुलेशन टेक्निक्स थे जस्ट लाइक एएसके पीएसके एफएसके, और आपने सारे इक्वेशन के लिए बाइनरी वन के लिए बाइनरी जीरो को इक्वेशंस को लेके और आपने यहाँ पे इक्लूडियन डिस्टेंस को फाइंड किया. मीन्स आपने दोनों सिग्नल को फाइव प्लेन में प्लॉट किया हुआ है, फिर उन दोनों सिग्नल के बीच को डिस्टेंस फाइंड किया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इक्लूडियन डिस्टेंस. तो इस तरीके से आपने जो फाइंड किया डी एस के इज इक्वल टू अंडर रूट ई वी, डी पी एस के इज इक्वल टू अंडर रूट ई वी एंड डी एफ एस के इज इक्वल टू अंडर रूट टू ई वी. और ई वी जो होता है ये हमारा जो बिट्स होते हैं बिट्स का एनर्जी होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक. ओके थैंक यू.